नमस्कार दोस्तों, मैं सिब्बू सर, चाणक्य एकेडमी। सिब्बू सर, चाणक्य एकेडमी, आप सभी लोगों का तह दिल से अभिनंदन आभार व्यक्त करते हैं सर। आज से हम लोग का जीएस पार्ट 8, ठीक ना, और ये संविधान का चल रहा है सर। और जितने भी हम लोग वीडियो अपलोड किए और जितने लोगों ने देखा है, उन लोगों को बहुत 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 तहे दिल से बधाई सर, और अभिनंदन आभार सर आप लोगों का सर, और इतना प्यार देने के लिए सर। आज से हम लोग का स्टार्ट होता है भारतीय संसद। क्या सर? भारतीय संसद। तो पूछा जाता है कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 79 में है सर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सर। फिर पूछा जाता है संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आप बताएंगे राज्यसभा, और उसके बाद बाबू क्या लोकसभा, और लोकसभा के बाद सर राष्ट्रपति आता है सर। कब फिर हम लोगों से पूछा जाएगा कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, 80 में, लोकसभा का गठन किस में है, 81 में, और राष्ट्रपति का पद किस में है, तो 52 में सर। तो हम आपको बता दें कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलाकर संसद बनता है, और संसद का जो गठन है अनुच्छेद किस में, 7-9 में है सर। अब हम लोग की बातें जो रहेगी ना, मेन पॉइंट जो होती है, जैसे अमेरिका में ना राज्यसभा को क्या कहते हैं सर, सीनेट कहते हैं सर। क्या कहते हैं? सीनेट। उसी तरह से भारत में राज्यसभा को ना पता है द्वितीय सदन कहते हैं सर। क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं सर, और फिर कभी विघटित न होने वाला सदन कहते हैं सर। कभी विघटित न होने वाला सदन कहते हैं, यानी कि ये पता है राज्यसभा कभी समाप्त ही नहीं होता है सर। आपको बता दें कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अनुच्छेद 80 का एक थोड़ा सा अंदर तक हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी बातें ना हम बिल्कुल आराम से बहुत अंदर तक जाकर एक भी पॉइंट ना छूटे उससे हम लोग पढ़ते चलते हैं सर। देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 200, कितना? 50 हो सकती है सर। आपको बता दें कि जो 238 सदस्य होते हैं, 238 सर, 200 कितना? सॉरी, 200 कितना? 38 सदस्य होते हैं। ये पता है पहले 29 राज्य था, अब कितने राज्य हैं? 28 राज्यों से चुने जाएंगे सर। और जो रहे सर ना 28 राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अब कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेश? 9 हो गए सर। इनसे चुने जाएंगे 200 कितना? 38 सर। और रही बात जो 12 सदस्य होते हैं, कितने सदस्य बाबू? 12 सदस्य जो होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है सर। और ये लोग किससे जुड़े होते हैं, तो आप बता सकते हैं कला, साहित्य, समाज सेवा, समझ में आ गई बातें, विज्ञान, पत्रकारिता, और देश के लिए उत्कृष्ट कार्य से जुड़े होते हैं। कितने सदस्य सर? 12। अब इसी में ना हम लोगों से पूछता है ना कि राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री, तो आप बताएंगे नरगिस दत्त सर। पूछेगा पहला फिल्म अभिनेता, तो आप बताएंगे पृथ्वीराज कपूर सर। क्या बताएंगे? पृथ्वीराज कपूर। एक बार फिर से हम अपनी बातों को दोहरा रहे हैं, राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त, पहला फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। और 28 राज्य से और 9 केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो आपका जवाब होगा सर कितने? 238 सदस्य चुने जाते हैं सर। हाँ सर, देखिए आपको बता रहे थे सर ना कि राज्यसभा की सीटों का वर्णन, पूछेगा कि राज्यसभा के सीटों का वर्णन किस अनुसूची में है सर, ठीक ना? आप बताएंगे अनुसूची नंबर कितना? 4 सर। देखिए, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट है, कितनी सर? 31। उसके बाद महाराष्ट्र में है बाबू, कितना? 19। उसके बाद तमिलनाडु में है, कितनी सीटें हैं? तब बताएंगे 18। उसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार बाबू, दोनों में कितनी सीटें हैं? 16। उसके बाद कर्नाटका में कितनी सीटें हैं? 12। उसके बाद बाबू
आंध्र प्रदेश, ए पी लिख दे रहे हैं आंध्र प्रदेश को सर, समझ जाइएगा। आंध्र प्रदेश के बाद जीजे, जीजे का मतलब गुजरात, गुजरात के बाद हम लिख दे रहे हैं बाबू मध्य प्रदेश। इन जगह सीटों की संख्या कितनी है, 11 है सर। इसके बाद हम लोग राजस्थान चलते हैं, राजस्थान के बाद यूआर उड़ीसा, यहाँ पर जो सीटों की संख्या है बाबू कितना है, 10। केरल में बाबू सीटों की संख्या कितना, 9 सर। इसके बाद हम लोगों का देखिए पंजाब, पी बी पंजाब लिख दे रहे हैं पंजाब। पंजाब के बाद असम, ये असम। इसके बाद हम लोगों का सीधे से बात कि एक राज्य बना था तेलंगाना, यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी थी सर, 6 है, 7 सॉरी कितनी है, 7। इसके बाद झारखंड सर, कौन सा बाबू, झारखंड, झारखंड में कितनी सीटें हैं, कितना, 6 सर। इसके बाद हम लोगों की दिल्ली सर जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में कितना सर, 3। और एक और केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है पांडिचेरी, पांडिचेरी में सीटों की संख्या कितना बाबू, 1 है सर। तो आपको ये सब याद होना चाहिए सर, क्योंकि संघ लोक सेवा के एग्ज़ाम में बैठेंगे या रेलवे का एनटीपीसी ही क्यों न लीजिए सर, उन चीज़ों में, उन एग्ज़ामों में ये सब बातें हम लोग की काफ़ी महत्वपूर्ण होती है सर। हाँ सर, देखिए आपको राज्यसभा की बातें चल रही थी ना, देखिए होता क्या ना कि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी साल होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होता है बाबू, तो कार्यकाल होता है 6 साल। इसके कितने सदस्य रिटायरमेंट होते हैं, तो आप बताएंगे 2 वर्ष बाद कुल सदस्य का 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते हैं सर। और इनका चुनाव कैसे होता है, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा सर, विधानसभा के क्या बाबू, सदस्यों द्वारा सर। और जो चुनाव होता है पता है, 10 लाख जनसंख्या पर एक राज्यसभा की सीट होती है सर। कितनी सीट होती हैं, एक राज्यसभा की सीट होती है। बता दें कि 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल उन्नीस सौ कितना 52 ईस्वी को राज्यसभा का गठन हुआ सर। राज्यसभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था सर। और 13 मई 1952 ईस्वी में राज्यसभा की पहली बार बैठक हुई थी सर। तो देखिए बैठक अलग बार पूछता है सर, और गठन भी पूछता है। तो गठन 3 अप्रैल 1952 और बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1900 कितने में सर, 52 ईस्वी में सर। आपको बता दें कि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है सर, सभापति हो गया, वो हम लोगों का उपराष्ट्रपति होता है सर, उपराष्ट्रपति होता है सर। जब उपराष्ट्रपति बताएंगे तो ये पता है किस अनुच्छेद के तहत सर, 64 के अनुसार सर पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो अनुच्छेद कितना बताएंगे, 64 के तहत सर। और पहले पहले सभापति का नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बाबू सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इस समय कौन है, तो आप बताएंगे वेंकैया नायडू हैं सर, हो गया। और एक उपसभापति, ध्यान रहे जो सभापति होता है इसका कार्यकाल होता है मात्र कई साल, 5 साल, लेकिन जो उपसभापति होता है उसका कार्यकाल होता है कई साल, 6 साल सर। जो पहले उपसभापति थे उनका नाम था डॉक्टर कृष्ण मूर्ति राव सर, डॉक्टर क्या सर, कृष्ण मूर्ति राव सर। और इस समय कौन है, तो हरिवंश नारायण शर्मा जी हैं सर, हरिवंश नारायण शर्मा जी सर। फिर पूछा जाता है कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, विपक्ष, तो आप बताएंगे गुलाम नबी आज़ाद सर, गुलाम नबी क्या सर, आज़ाद सर, ठीक ना। तो ये था हम लोगों का राज्यसभा के बारे में सर। चलिए सर, जो राज्यसभा होता है सर ना, क्या सर, राज्यसभा होता है सर। तो राज्यसभा की सबसे बड़ी खासियत ना, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं सर, काउंसिल ऑफ क्या सर, स्टेट्स सर। हाँ सर, राज्यसभा को ना काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं सर। होता क्या सर दोस्त ना, कि जो राज्यसभा का सभापति होता है ये अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को देता है सर। लेकिन हाँ, जो उपसभापति होता है सर ना, उपसभापति, ये अपना त्यागपत्र किसको देगा, सभापति को देता है सर। दूसरी बात आपको बता दें कि राज्यसभा को एक अधिकार है अनुच्छेद नंबर 312, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अखिल भारतीय सेवा सृजन का गठन करता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, आईएएस के एग्ज़ाम में और
पीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार आ चुका है सर कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करता है, तो राज्यसभा करता है सर। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 312 सर, ठीक ना। ये था हम लोग का राज्यसभा के बारे में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है सर। अब इन बातों को हम एक बार बढ़िया से रिपीट करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रिपीट करने का प्रयास करिए सर। चलिए सर, पूछेगा ना कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 79 में सर, 79 सर। संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? राज्यसभा। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में? 80 में है। उसके बाद आता है लोकसभा, लोकसभा का गठन 81 में है। और राष्ट्रपति का गठन किस में है? तो अनुच्छेद नंबर किस में सर? 52 में सर। राज्यसभा को ना अमेरिका में सीनेट कहते हैं, क्या कहते हैं? सीनेट। और भारत में द्वितीय सदन कहते हैं, या उच्च सदन कहते हैं, या अस्थाई सदन कहते हैं, या कभी विघटित न होने वाला सदन कहते हैं सर, क्योंकि समाप्ति नहीं होता है सर। अब आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 80 का एक सर, 80 का कितना सर? एक सर। तो जो 80 का एक होता है, इसमें अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 200 कितना? 50 सर। और कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 238 सदस्य चुने जाते हैं सर। और फिर कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। जो सदस्य मनोनीत होते हैं ना, उनको मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति करता है सर। ये कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और पत्रकारिता और देश के लिए उत्कृष्ट कार्य से जुड़े होना चाहिए सर। फिर पूछा जाता है कि राज्यसभा में नामांकित पहली फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त, पहला अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पूछा जाता है सीटों का वर्णन राज्यसभा का किस अनुसूची में है, अनुसूची नंबर कितना बाबू? 4। सबसे अधिक सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार और पश्चिम बंगाल में सेम है। पूछता है कि भारत के किन दो राज्यों में राज्यसभा की सीटें बराबर है? केरल में, सारी कर्नाटक में कितना? 12। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में सब में कितना? 11। राजस्थान और उड़ीसा में, गुड, केरल में 9। पंजाब हो गया, आसाम हो गया, तेलंगाना हो गया, सब में सीटों की संख्या कितनी है? 7। झारखंड में कितनी है? 6। दिल्ली में कितनी है? 3। पांडिचेरी में कितनी सीटें हैं? 1 सर। आपको बता दें कि राज्यसभा बनने की न्यूनतम आयु कौन साल है? 30 साल। कार्यकाल बताइए? 6 साल। कितने वर्ष के बाद रिटायरमेंट होते हैं? 2 साल के बाद। कितने सदस्य रिटायरमेंट होते हैं? 1/3 सर। चुनाव कैसे होता है? तो विधानसभा के सदस्य करते हैं सर। फिर पूछता है कि एक राज्यसभा की सीट पर कितनी जनसंख्या होती है? 10 लाख। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 में सर, ठीक ना, ये राज्यसभा का गठन है सर। और पहली बार बैठक कब हुई? तो 13 मई 1900 कितने में? 52 में सर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जो राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है सर। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 64 के तहत सर। पहला सभापति का नाम बताइए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, वर्तमान में वेंकैया नायडू सर। हाँ सर, जो देखिए, जो सभापति होता है उसका कार्यकाल होता है 5 साल, जो उपसभापति होता है उसका कार्यकाल 6 साल। पहले उपसभापति का नाम डॉक्टर कृष्णमूर्ति राव, वर्तमान में हरिवंश नारायण शर्मा हैं। और विपक्ष का नेता जो है गुलाम नबी आज़ाद हैं सर। हाँ सर, राज्यसभा को ना काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं सर। राज्यसभा का सभापति जो होता है ना, अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपसभापति किसको देगा? सभापति को सर। अनुच्छेद 312 क्या कहता है? तो ये कहता है ना कि अखिल भारतीय सेवा का गठन होगा सर, और वो गठन सिर्फ कौन करेगा? राज्यसभा सर। इस तरह से राज्यसभा की वीडियो हम लोगों की बातें जो होती हैं पूरी कंप्लीट होती है सर। और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।